हालेलुया, सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी परमेश्वर की आवाज को सुनकर तो आइए जानेंगे परमेश्वर ने अपनी अभिषिक्त दासी को क्या कहा। कलीसिया को परमेश्वर की ओर से एक बड़ा प्रकाशन। परमेश्वर ने अपनी अभिषिक्त दासी पास्टर कंचन मित्तल जी को बताया कि क्यों हर एक विश्वासी को अभिषेक के साथ जुड़े रहना जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों अभिषेक के साथ जुड़े रहना जरूरी है। अभिषेक क्या करता? हमारा विश्वास है जब आप परमेश्वर के संदेश को सुनोगे, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करे और ये वचन आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर। आज सुबह ही प्रार्थना में थे जब हम, आज एक दर्शन बच्चा देख रहा था तो बता रहा था कि कैसे एक अभिषेक एक व्यक्ति को बचा के रखता है। तो प्रभु से प्रेर कर रहा था कि प्रभु कि हम आपकी नजर में क्या है, प्रभु आप कैसे हमसे प्रेम करते। तो उसने देखा कि एक आग का खंभा है और उसमें लाइटें लग रही हैं और उसके सामने वो खड़ा था। उसने देखा कि बहुत बड़ा अंधकार है जो उसकी ओर बढ़ रहा था। तो प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें क्यों बोलता हूँ कि तुम अनॉइंटिंग से कनेक्ट रहो? क्यों अनॉइंटिंग में कनेक्ट रहना जरूरी है? वो अंधकार उसकी ओर बढ़ रहा था लेकिन बढ़ नहीं पा रहा था, बहुत ही ज्यादा दुष्ट आत्माएं और अंधकार था। बोले, क्योंकि तुम इस अनॉइंटिंग से कनेक्ट हो इसीलिए ये अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। बहुत जोर जोर से वो चिल्ला रहा था जब उस अंधकार को देख रहा था, तो पूरा चिल्ला रहा था कि अंधकार मुझे नाश कर देगा। लेकिन प्रभु ने उससे बोला इसीलिए मेरी दासी हमेशा बोलती है कि अनॉइंटिंग से कनेक्ट रहो। आमेन। कहते आज मैं तुझे बताता हूँ कि अनॉइंटिंग से कनेक्ट रहने का मतलब क्या है। कहते ये जितना अंधकार है ना, ये तेरी तरफ बढ़ रहा है लेकिन तेरे पास आ नहीं पा रहा। पूरी फोर्स से इतना गहरा अंधकार जो उसकी ओर बढ़ रहा था और चीख रहा था, दौड़ रहा था, मतलब पूरा हाफे में बाहर हो रखा था। प्रभु ने उसको बताया कि क्यों अनॉइंटिंग से कनेक्ट रहना जरूरी है, ताकि तुम्हारा जो अभिषेक है, जो तुम्हारे पास है चीजें, जो तुम्हारे पास प्रार्थना का जीवन है, विश्वास का जीवन है, वो सारी चीजें तुम्हारी प्रोटेक्ट रहती हैं और शैतान उन चीजों को छीन नहीं पाता है और तुम्हारे पास नहीं आ पाता जब तुम एक अभिषेक से कनेक्ट रहते हो। कहते अगर तुम इस समय यहाँ पर कनेक्ट ना हो और तुम प्रभु के सब चुने हुए हो, चुने हुओं के कारण अंधकार तुम्हें नाश करना चाहता है, ये भी याद रखना। चुने हुए हो इसलिए नाश करना चाहता है, तुम ज्योति हो, ज्योति को अंधकार इसलिए नाश करना चाहता है। लेकिन जब आप एक अभिषेक से कनेक्ट होते हो तो वो अंधकार आपको छू नहीं पाता, आपकी प्रोटेक्शन रहती है। क्यों अनॉइंटिंग से कनेक्ट रहना हर विश्वासी को जरूरी है, ताकि ये अंधकार तुम्हें छू ना पाए, तुम्हें नाश ना कर पाए, तुम्हारी ज्योति को चुरा ना पाए। आमेन। हालेलुया। आइए सुनते हैं इस बहन की गवाही को, इस बहन के परिवार को क्यों नहीं मार पाया शैतान। सर ये अद्भुत गवाही है, 4 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक था इन्हें। हाँ। ये बता रहे पास बहुत ही डर लगता था, इतना था कि जब दुष्ट आत्मा का अटैक इनको सांस भी नहीं आता था। हाँ। पासरी ये बता रहे कि किसी ने प्रभु के बारे में बताया, सुनौली चर्च आए 3 साल पहले। हाँ। और इनके लिए प्रार्थना हुई, प्रभु की सामर्थ्य ने छुआ, दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, पूरे 3 साल हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री हैं। 3 साल हो गए हैं पूरी तरह से आजाद हुआ। हाँ, पास्टर मामा। कहाँ से आए हो? 19 सेक्टर से। और 3 साल हाँ जी से पूरी तरह आजाद हो, और 4 साल से दुष्ट आत्मा थी। हाँ जी। और मतलब मेरे पति की डेथ हो गई थी, उसके बाद दुष्ट आत्माओं का अटैक मुझ पर था। हाँ। और अभी मैं तो गवाही देना भूल ही गई थी, तो अभी 4-5 दिन पहले मेरे लड़के को दुष्ट आत्मा ने बोला कि मतलब हम तो तुम तीनों बहन भाइयों को मैं ऐसे ही मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी के वजह से नहीं मार पाता क्योंकि हाँ। वो चर्च में जाते हैं। हाँ। ऐसे करके तब आपको समझ में आया कि प्रभु के साथ जुड़ के रहने में कितनी बड़ी सुरक्षा है। समझ आ रही है शैतान क्या बोल रहे हैं तुम्हें? तो अभी क्या बोला, अभिषेक से जुड़ के रहना क्यों जरूरी है? अभिषेक क्या करता है? तुम्हें बचाता है। अभी मैंने बताया और अभी हम गवाही सुन रहे हैं। हाँ, दुष्ट आत्मा बोल रही है तेरी मम्मी के कारण, क्योंकि वो चर्च से जुड़ी हुई है, वो वहां पे जाती है, नहीं तो तुम्हें हमें 1 मिनट में मार दे। और फिर आपको याद आया कि मैंने गवाही भी नहीं दी, मुझे दुष्ट आत्मा से आजादी मिली थी और मैंने टेस्टिमनी भी नहीं दी। प्रभु ने आपको याद कराई, आपको
और अधिक जुड़े रहना है और बच्चों को भी लेके आना है। ठीक है।